के बताते हैं पैदा होते ही जो थोड़ी देर में जिसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया एकाएक वो बच्चा जवान हो जाता। घटोत्कच देख कर बड़ा हैरान था, कृष्ण भगवान से पूछा महाराज ये क्या पैदा हुआ कि भाई ये अद्भुत बच्चा है इसका नाम बर्बरीक रखना, बर्बरीक नाम रखा इसको कहना है माँ भगवती का भजन करे ध्यान करे। 3 साल बर्बरीक ने माँ भगवती का दुर्गे माँ का पूजन किया है भजन किया, 3 साल में दुर्गे माँ प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया बच्चा तेरे को कोई हराने वाला युद्ध में नहीं होगा, तू सूर्य देव के बाण दे लेना। सूर्य देव की उपासना की, 3 बाण दिए और शंकर भगवान का धनुष लिया और वापिस घर आ जाता। थोड़े समय बाद कौरव पांडवों का युद्ध निश्चित हुआ तो कहते हैं उसकी माँ कंतकटा मूर्दित्य की लड़की थी, मोरवी उसको कहते थे, उसने कहा बेटा तेरे कुटुंब की दुश्मन गलियां होड़ी से तकरार तावड़ा जाइए तू। हे माँ मैंने कभी युद्ध नहीं देखा, मैं युद्ध को देखूंगा। बेटा देखिए देखिए मत उड़ा मदद भी करिए। हे माँ मैंने कभी परिवार को नहीं देखा, मैं किसकी मदद करूं? क्योंकि माँ ने सोचा उड़ा कि झड़ा बाजता पाओगा किसने पकड़े पकड़े बूथ जगह तुम कौरव से पांडव से नहीं बोली बेटा। अरवानी सोचा कौरव सो पांडव पांच वे पिटते पाओगे किसी झंडे काटने देवे पांडव ने बोली बेटा तू एक काम करिए के तू मेरे से वचन कर क्या कहा कि तू हारे का सहारा बनेगा जो हारता पाओगा उसकी मदद करेगा। हे माँ मेरा तेरे से वचन है मैं हारे का सहारा बनूंगा। वहां से चला युद्ध के मैदान में गया तो युद्ध शुरू नहीं हुआ था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कृष्ण भगवान पांचों पांडवों को लेकर उसके पास जाते हैं कि भाई कौन हो कहां से आए हो। मां कंतकटा का जाया सु मैं जो युद्ध देखने खातिर आया सु मैं एक पर्ण बांध के ले आया सु मैं उसने ठीक नहीं मांगा। अरे किन हाथ लड़ेगा मेरी यहीं पर रहेगी फर्राती दजा बना ली मने ऐसी रजा मजा युद्ध देखने में न्यारा आवे कुण किसनाड़ मार गिरावे फिर जुन सा पक्ष हारता पाओ मैं उसने मदद पहुंचाऊंगा। सारे लखाओ योद्धा जब लड़ने के लिए जाया करते थे रथ में तीर न्यारे धनुष न्यारे भाले न्यारे गदा न्यारी तलवार न्यारी टूटन में हो रहा करते रथ वो घोड़े पर गया था रथ भी नहीं था 3 बाण दे रहा था। पांचों पांडव देखने बोला रहे ये योद्धा हथियार टूटन में हो रहे तू 3 बाण मुंह मार देगा ने बोला 3 या तो मेरी मां ने वचन हम ले रहा क्या लू ना दोनों सेना खड़ी हो मैं 1 बाण छोड़ूंगा दोनों सेना मुद्दे मारेगा और बाण उल्टा जे हमारा 1 भी नहीं लागत हम 3 ही करें। ईशा केस है दुर्गे माँ का दया मन ध्यान सूर्य देव के अमर ये बाण वरदान मन शिव भंडारी का हाथ धनुष त्रिपुरारी का सह आदेश माता मारी का मारे न जतवाऊंगा। अर्जुन ने मारी गोणी महाराज को पागल है यहाँ तो मेडिकल साइंस भी कहती है उस पागल का इलाज हो जाएगा जो रोड पका के छूकता हो, उस पागल का इलाज नहीं होगा जो टोप लेवल की बात करता हो। 15 से 20 दिन की अवधि है इलाज हो गया तो ठीक ना सारी उम्र इलाज नहीं होगा। किस पागल का जो टॉप लेवल की बात करता हो कि तो नुका कल मोदी का फोन आया था मेरी माँ में काली आओ मेरे दादा में गणेश आओ खड़े संकट काटना उसका कोई इलाज नहीं महाराज को पागल है। शर्पा के हड़ाबाज और अपने युद्ध की तैयारी करो। पांचों पांडव चल पड़े कृष्ण भगवान घूमते रहे निवरा तने धर्म का साथ देना चाहिए निवरा कड़े है धर्म निवरा पांचों भाई आए थे और निवरा गांव का काम खड़िया वो निवरा वह धर्म का पाड़ा निवरा कौन का है निवरा मैं न तेरे कहीं काम चल गया इन मरीन में के अंतर है निवरा कोई अंतर नहीं निवरा कोई अंतर नहीं क्या था निवरा देख इन नबी रात से ये मानस कहीं मर जाओ उन नबी रात से ये मानस कहीं मर जाओ। अरे सारे पक्षी एक ताल के भूखे फिरते सभी माल के श्याम लाल के तो ढंगनियारी हैं और कुण दुश्मन और कुण प्यारे हैं सब कर्म कर्म खाते रह रही हम करके कर्म दिखाऊंगा निवला दिखा देगा निवला दिखा दूंगा। अरे छत्री का फर्ज होता वो शक्ति परीक्षण दे सकता तू दे देगा निवला दे दूंगा निवला जिस पीपल के पेड़ के तले तू खड़ा इसके पत्ता ना तू दोनों सेना मान ले एक बाण में तूने का दोनों सेना ने मुद्दी मार दियो तू सारे पत्ते ने बीन देगा। हाँ निवला बीन दूंगा योग्य काम
उसने तो शंकर भगवान का धनुष उठाया, सूर्य देव का बाण चढ़ाया, माथे बलाक में भगवती का सुमन करे था, और कृष्ण भगवान ने पांचों पांडव आदमी बुला रहे योद्धा हो आ जाओ के देखाऊं धरती पे के पड़िया है। पांचों भाई बुला लिए बुला कर और नो बाण छोड़ा फटाफट फटाफट सारे पत्ता ने बीनता से जा गया। एक पत्ता कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेनी थी, पांच गतला दाब रखा था, सारे पत्ते बीन कर पांच कर चलिया पर ब्रीक नहीं बुला पांच डाले कदे पुंसा थी पांच दाव मांग जागा पांच डालिया वो पत्ता भी बीन दिया। कृष्ण भगवान का भी त्योर पटिया और पांच छन लखाया पांचों पांडव बोतल भर भर झुंडा गए भाजी ने सारे आता सलाई खर्च भी गयो किया भैया तू करे पुंसे ना लागन दे। कृष्ण भगवान ने बात रखी कि तुम्हारे ही खून से पैदा हुआ ये बच्चा, और देखे मैं तुमने जताना चाहूं ये पर यो मेरी भी पार नहीं पढ़ देगा। आज रात का समय है, इसका कोई न कोई इलाज ढूंढ लियो। सारी रात विचार में निकल की सुबह कृष्ण भगवान ने पूछा किसी के दिमाग में कोई युक्ति कोई उपाय हो तो बताओ। सब ना हाथ हिला दिए, नहीं बोला मैं बता दूं कि तुम बता देने बोला एक इलाज है के जो मारे सरेगा कौन मारे निबला धरती को पैदा भी नहीं जो इसने मार दे यो तो आप मरे आपका क्यों कर मरे निबला वो काम मैं बांध दूंगा कदे काल ने काले हाथ मसलो मारा छोरा मार दिया। ब्रह्मपुत्र ने कहा महाराज अगर इसका यही उपाय है तो आप करिए। ब्राह्मण का वेश बना के अब सड़क पिपल के पेड़ तल लुट रहा था, उड़ा लख जगा दी हाथ जोड़ के खड़े हो गया ब्राह्मण देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ आइए आपकी क्या इच्छा। आए हुकन लाचार फांसी काट दिए गलती रास्ता हम न पाऊंगा। देखिए सफल इंसान बनने का फार्मूला डाइये नाम कवि दे रखा। सफल कौन होता है सरपंच साहब? जो नर झूठ कदे ना बकते, जो ना माल बेराना तकते, रखते अपना ठीक व्यवहार, कार ना कदे करें छलकी, जगत मो नाम कमाऊगा। इतना ही फार्मूला। ब्राह्मण देव मांगो क्या इच्छा? निबला वचन भर वचन नहीं भरूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, वचन भरा देवरा के मांगले मैं पूरा नहीं कर पाऊं, मैं वचन हारी हो जाऊंगा। निबला बरबरी चीज इसी मांगूंगा तो पूरी हो जाएगी। फिर निबला ब्राह्मण देव मैं तीन वचन करता हूँ मांग के मांगेगा वचन भरा के। फिर कृष्ण भगवान ब्राह्मण के वेश में थे हंसते हैं। निबला दान करे, निबला बोल के कर दे अपने शीश का दान, कहा जा दानी जगत महान, पहचान रणचंडी की ललकार, जो रक्षा करती है दल की, वो उसे नरक का सा होगा, रास्ता हम न पाऊंगा। बरबरी का हाथ जोड़े खड़े फिर आसन ला गया निबला ब्राह्मण को न्या क्या दें। अरे ब्राह्मण जब भिक्षा मांगता है तो अन्न की भिक्षा मांगता है, वो धन की भिक्षा मांगता है, अरे वो वस्त्र की भिक्षा मांगता है, भिक्षा में भूमि का टुकड़ा मांगता है, ब्राह्मण भिक्षा में कभी जीवन नहीं मांगता। उन्हें बेरा तलाग के माया कृष्ण भगवान ने अपना चतुर्भुजी रूप दिखा दिया। ओड़े पांग लपट गए निकला ओए होय ओड़ मजबूरी आ गई थी तुम नहीं आना पड़ गया। निकला भाई शीश का दान कर, मेरी सारी शक्तियां तेरे अंदर निहित होंगी, तेरी मेरे नाम से पूजा होगी। हे महाराज कद तेरी होगी मेरे नाम से पूजा, होगा ना को दानी दूजा, बूजा शुभ कर्मों का त्यार, महिमा गाई जा बल की, समय जब कलयुग का होगा। वहां शीश का दान निवला महाराज मैं दान तो करूंगा, पर जिसकी आत्मा पर बाहर जाता है वो आत्मा भटकती है, मेरी आत्मा भटकेगी, मेरी आत्मा पर बाहर जागा। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा थी, मैं युद्ध देखना चाहता था, युद्ध देखने की इच्छा ले कहा था, मैं शीश का दान कर दूंगा, मैं युद्ध देख नहीं पाऊंगा। निबला बरबरी तू शीश का दान करे, मैं कभी शीश से भी तेरे को सारा युद्ध दिखाऊंगा। बरबरीक ने शीश का दान कर दिया, कृष्ण भगवान ने उसी पीपल के पेड़ को वो शीश रखवा दिया। बरबरीक ये ऐसा कोणा जहां से युद्ध का हरेक कोणा स्पष्ट दिखाई देता। 18 दिन में 18 क्षणी दल खपे सजनों, और कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई, कृष्ण भगवान लाशों को ढेर को निहारते रहे, कहां धर्म की रक्षा हुई, इतने लोग कैसे मरे, किसने धर्म का साथ दिया, किसने धर्म छोड़ा, और पांचों पांडव अंगड़ाई तोड़े अर्जुन ने का देखा भाई जिसका तीर मार दिया के को उठा है। भीम ने बोला जाने फतु मिराड़ी का दाना बांधा काम, जिसका मार दिया और देख उड़े बैठ गया। सारे अपने अपनी शेखी मारे, कोई अपनी ज्योतिष की मारे, कोई अपने गुणों की मारे, और धर्मपुत्र ने बोला लड़ो मत कृष्ण कर देगा फैसला थारी मठा डाकुण सा है। कृष्ण भगवान के सामने ले गए ने बोला जिनका फैसला कर देने युद्ध कौन सिंह जता कौन सा ठाडा है। ने बोला मैं भी घोड़िया कुंडा घना हम मन भी नहीं मेरा, एक शख्स है जो दूध का दूध और पानी या पानी कर देगा। कौन? के परब्रीक जिसने सारा युद्ध देखा। परब्रीक के सामने सारे पहुंचे, कृष्ण भगवान ने कहा बताइए रे
इन्हें मैं कौन से युद्ध जताया कौन सा खाडा कटे शीशे पर ब्रिक हसा जो यार मैं करूं बात का तोड़ ना था थारा कोरुआ का कोई जोड़ जिन्हें दी सब की काट मरोड़ के दियो कृष्ण का था थारा कोई खोरो जो बोला कोई नहीं जो बोला और सुन लो कान खोल के सुन लो के ए रतम सुनते जायो हाल सुना दू मैं सारा रे तम सुनते जायो हाल सुना कटे शीश से परप्रीत ने सारे हिंदू आंखों देखा हाल सुना युवरा भीम ये कह तेरा लिखा था ना काम बन गया अरे पांडवों की तरफ से पहला जो योद्धा मरा था वो अर्जुन का पुत्र भी मन्यु जो चक्रव्यूह में घेर के मारा था जब तू उड़े खड़ा था जब सूर्य मारन दे अतरा जीत रहा था तेनू बता लू तू चार कदम चल जा भी फिर तेरी रूह काटगी तू नहीं समझ यार इधर बढ़ेगा तुमने भी मार देंगे तू उल्टा वाचा कर्म ने तेरी बुद्धि पकड़ के तू लाशों की ढेर में बांट दिया था तेरा दम भी टूटने को था जब तेरे को जीवन दान दिया था चला तेरी गल तो रोलाए नहीं रोलाए एक गल सच्ची ना मसली की आंख खोल रखी वो न्यू का मेरे तो बत्ती ने सांची है तू ना कोई रोलाए उस गल है तेरी गल कोई रोला नहीं तने किसा का बताई आ बात अरे तने तो नहीं बताई पर मैं तो देखूंगा किसा की होता है तू क्या कहा बलवान बहुत से नलते देखे रेता में सुनो ध्यान से कीप आप को परमाण युद्ध के रेता में सुनो ध्यान से कीप आप को परमाण युद्ध के रेता में उहे सबसे पहले चक्र व्यहू में अर्जुन का मर्या था लाल पीठ दिखा कभीम बाज लिया शाम ही दिखा किसने काल पकड़ा दिया पर चंदा का बंधन डाल बाज के कर्ण ने पकड़ा दिया पर चंदा का बंधन डाल रयो अर्जुन भी विच देखता मगर अर्जुन उस समय को याद कर कौन सा समय कि जब कर्ण का और तेरा आमना सामना हुआ कृष्ण भगवान तेरे पंजारे बैठे थे तने बाण मारा कर्ण का रथ तेरा एक बाण टकराने से 20-30 हाथ पाछ गया था और फिर कर्ण ने ओसा संभाल के जब बाण मारा तो तेरा रथ कर्ण का बाण टकराने से 3 हाथ पाछ गया तेरे पंजारे कृष्ण जी बैठे थे इसने हाथ जोड़े रे धन्य है वो जननी जिसने ऐसे सूरवीर को जन्म दिया जब तेरे तेल के से छींटे लगे हे महाराज मेरे बाण में 20-30 हाथ पाछ इसका रथ दिखा रखा इसने मेरा 3 हाथ दिखा दिया यो 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 धाक मैं कृष्ण भगवान ना हंस के टाल दे रहे मूर्ख मेरी बात को समझ मन आंखों से नजारा देखा जेड सिक्योरिटी भी फैल हो गया अरे मैंने तेरे रथ की धौजा के ऊपर खुद हनुमान जी को बैठे देखा तेरे रथ के पहिया शेष नाग ने जकड़ रखे थे और तेरे पंजारे खुद कृष्ण जी बैठे थे जब कर्ण के बाण ने 3 हाथ पाछ धका दिया ये तीनों चीज ना हो तो कड़े पाओ तेरा रथ क्या कहा
भीषम मारण खातर तमने सारा लिया लुगाई का थारे बस का काम नहीं था खेल यो कनाई का अरे ऐसा खेल या खेल हरी ने कोई नहीं समझ पाया गुरु दौजा पे हनुमान शेष नाग ने भेड़ा लाया बन कटवाला आप हरी ने अर्जुन को रहा दिखलाया कहता है नजारा सुनो यो दाओ 18 छोड़ी दल फौज टोटल केवल कुल जोड़ था 11 छोड़ी दल फौज कोरमों के पास थी 7 छोड़ी दल फौज कर दो रही और उस 11 छोड़ी दल फौज में इतने महाबली इतने बहादुर इतने सूर सूरमा योद्धा इतने खड़े योद्धा थे उनके सामने खड़ी औकात नहीं थी जय के समझी ना होना दो दिन में तुम ना थप्पड़ थप्पड़ा न मार दियो ना हथियारा इधर इतना दी इतनी धोखा थी धरी सारा है तो यो ना हो तो ठोसा था कुछ भी ना था के था मार कर्ण को जो नहीं युद्ध में आया था जयद्रथ को भी घेर लिया जो घास बटे हारा था जयद्रथ को भी घेर लिया जो घास बटे हारा था और भीम ने भी धर्म छोड़ के जांग पे किया था वार खुद जननी का सत तुड़वा के दुर्योधन को किया मार श्री कृष्ण न होते थे यहाँ पांडवों की होती हार क्योंकि कौरव दल का बताऊं तम गजरा थे कोने 18 जन्म में निवरक मानस तो मार मार गिर रखे आप मर गया निवराए छोड़ देना मारे युद्ध भी एक कने करया मन चित भी नजर मारी तम तो एक आदमी दिखो दे छल करते दिखो दे और गण हम मर्द मानस पड़ा कितने नहीं देखा रखा तुमने
हाँ एक चीज थी अरे अरे मेरी बात को मानो, इस चीज को छोड़ो। बर्बरी मनु को कहता है कभी प्यार दुनिया को संदेश, भैया चीज छोड़ो कौन सी। गुरु पुत्र की मणि काटी, गुरु पुत्र की मणि काटी, उसको लहू मुहान किया, श्री कृष्ण की लीला न्यारी, युद्ध घमा शान किया, सुदर्शन मिला चोकर दे में, जहां पर भी मन ध्यान किया, आज मेरी बात को मान लियो, त्यागो अपना तुम अभिमान, श्यामलाल वे नहीं हारते, जिनके रक्षक खुद भगवान, मेरे कहे श्री कृष्ण का सच्चे मन से कर लो ध्यान, मेरे कहे श्री कृष्ण का सच्चे मन से कर लो ध्यान, भगवान भगत के I'm